ऑल एग्जाम्पल्स को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं पंचायती राज की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पटवारी के लिए और इससे हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं एकदम, और ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप हिंदी में बनाइए। तो ये मेरा पहला लेक्चर रहेगा पंचायती राज पे। चलिए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज के बारे में जानते। पहले देखिए पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है, ग्राम होते हैं, तालुका होती है और ज़िले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राम बनते हैं, फिर उससे तालुका बनती है, मिलके फिर क्या बन जाते हैं, उससे ज़िले बन जाते हैं। तो पंचायती राज अभी से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। और देखा जाए प्रथम बार जो था, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रथम बार हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर ज़िले से के बगदारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज को लागू किया था। कहाँ पे? जवाब पहले तो पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने लागू किया, पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद कौन से स्टेट में? राजस्थान स्टेट में, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड कौन से ज़िले में? नागौर ज़िले में। फोर्थ कौन से गाँव में? बगदारी गाँव में। फिफ्थ क्वेश्चन है डेट, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1959 को उन्होंने लागू किया था। अब बात करते हैं इसके संवैधानिक प्रावधान की। तो अनुच्छेद 40 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? ये पांचवा क्वेश्चन बन सकता है, तो अनुच्छेद 40। ठीक है, उसके बाद 1991 में संविधान में 63वां यानी 73 संशोधन किया गया, और 1992 में किया गया था ये, जिसमें पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। कौन सा संशोधन था? ये क्वेश्चन बन सकता है 6 नंबर, 73 संशोधन। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। और यदि नियम कब लागू हो गया था? 92 तक लागू हो गया था, इसलिए इसको हम कहते हैं 63वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 73 अमेंडमेंट। ठीक है, तो इससे यहाँ पंचायती राज फेमस हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी है कमेटी। तो सबसे पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में। अब देखिए इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बलवंत राय मेहता। उसके बाद 1957 में, ठीक है, याद रखिएगा डेट, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर आई अशोक मेहता समिति यानी अशोक मेहता कमेटी 1977 में। देख रहे हैं आप 20 साल के गैप के बाद दूसरी कमेटी आई। फिर आई डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति, कब? 1986 में। इसको आप याद रख सकते हैं सिख दंगों से, ठीक है, 1986 में सिख दंगे हुए थे, तभी ये कमेटी आई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ओके, उसके बाद ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के अधिनियम किसी भी समिति की जांच करने का आदेश के लिए एक और अधिकार दिया गया था, तो ये उससे रिलेटेड हो गया। तो कुल मिला के बेसिक में आपने यहाँ पे जाना 10 से 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पहले तो कौन सा पंचायती राज में क्या क्या व्यवस्था होती है? तो पहले ग्राम होते हैं, फिर तालुका होती है, फिर जिला होते हैं। उसके बाद कौन से प्रधानमंत्री ने अस्तित्व रखा इसका? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन से स्टेट से? राजस्थान से। कौन से जिला उसका? नागौर जिला। और बगदारी गाँव कौन सी डेट को? 2 अक्टूबर 1959 को, यानी गांधी जयंती के दिन। उसके बाद कौन से अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया पंचायतों का गठन? अनुच्छेद 40 में कहा गया है। उसके बाद 1991 में इसके लिए एक विधेयक पास हुआ और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में आ गया। कौन सा विधेयक था? 73 विधेयक था। कौन कौन सी कमेटी है? बलवंत राय, अशोक मेहता, डॉक्टर एल एम सिंह भी कमेटी। ये तीन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हम एक एक की सिफारिशें भी पढ़ेंगे, क्या महत्व है वो भी जानेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में। चलिए अब इसमें हम देखते हैं पंचायती राज पे एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले तो अब देखिए 24 अप्रैल 1993 में भारत पंचायती राज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मांग चुनने, क्योंकि इस दिन संविधान क्या हुआ था, 73 संशोधन किया गया था, 73 अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, 1992 के थ्रू। तो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये 24 अप्रैल 1993 में 73 अमेंडमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपन को अधिक, महात्मा गांधी ने सोचा था कि ग्राम स्वराज में एक
अलग ही पहचान मिले गाँव को। ठीक है, अब सबसे पहले 73 में क्या क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट है कि एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की जाए, तीन मतलब थ्री टायर एक ढांचा हो, उसमें पहला जो है ग्राम पंचायत रहे, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति आए, और या इसको हम मध्यवर्ती पंचायत भी कह सकते हैं, देन क्या है जिला। कुल मिला के ग्राम आए, ग्राम के बाद पंचायत, पंचायत के बाद जिला। ठीक है, तो ये चीज कुल मिला के कही गई। उसके बाद बोला ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना। अब गांव में, गांव में क्या हो, एक ग्राम सभा है। उसके बाद हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव, हर 5 साल में, यहाँ के क्वेश्चन आ सकता है ग्राम पंचायत के चुनाव कितने साल में होते हैं, आंसर है 5 साल में होते हैं, 5 ईयर्स में होते हैं। फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटी बांटे जाए और आरक्षण किया जाए। अब जैसे कोई एरिया है जहाँ पे एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे एसटी के लिए ज़्यादा सीट रिजर्व की गई है, कहीं एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ एसटी के लिए बोर्ड रिजर्व की गई है। उसके बाद महिलाओं के लिए भी कितनी, 1/3 सीट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 3 सीटें हैं किसी ग्राम चुनाव में, वहाँ पे 1 सीट महिला के लिए आरक्षित की गई है। उसके बाद पंचायतों की नीतियों में सुधार के लिए एक गठन किया गया वित्त का, कि वहाँ पे जो फाइनेंशली रहेगा तो उसके थ्रू आप कुछ अपने पंचायत में वो कर सकते हैं ताकि आप सुधार कर सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है जो कि एकदम उस पर नजर रखेगा कि इलेक्शन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे इलेक्शन कमीशन है वो ऑल ओवर इंडिया के उस पर इलेक्शन पे नजर रखता है, वैसे ही राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया ताकि उसमें कुछ ऊट पटांग ना हो, अनफेयर मीन्स का यूज ना हो, और एक लिमिटेड टाइम के बाद क्या हो वो हो। उसके बाद के हम पॉइंट देखते हैं इसी में। उसके बाद बोल रहा है 73 संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु तो शक्तियां और अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो अपने रूल बना सकती है ग्राम पंचायत के और उनकी शक्तियों को उसके अनुसार यूज कर सकती है। तो उसके बाद बताया गया ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं, वो शक्तियां और अधिकार जो है देख लेते हैं हम। अब जैसे इसमें बोला गया संविधान के 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार की गई, उनका अनुनिष्पादन किया गया, मतलब 29 विषयों पर विचार किया गया। पहला तो एक आर्थिक विकास, दूसरा सामाजिक न्याय से रिलेटेड। उसके बाद कर, ड्यूटीज, टोल शुल्क हो गया, टोल शुल्क हो गया आदि लगाने से वसूलने का पंचायतों को अधिकार दिया। ठीक है, तो कर लगाना, तो कोई टोल शुल्क लगाना है तो ये पंचायत में आपको दिया गया, पंचायतों का अधिकार है कि वो लगा सकती है। उसके बाद राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटी, टोल शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण करना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के अगर गाँव में कोई चीज टोल लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कौन रखेंगे, गाँव वाले पंचायत रखेंगे। ठीक है, इस टाइप से अगर वो कुछ कलेक्ट कर रहे हैं तो जो उससे अर्निंग होगी वो उसी गांव के विकास में या उसकी पंचायतों में लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुल इम्पोर्टेंट है 73 अमेंडमेंट्स के जो कि एक ब्रीफ में मैंने आपको बताया थी, और इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको बताया अलग से ही। एक तो ये थ्री टायर वाला हो गया, फिर हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ये हो गया, और महिलाओं के लिए 1/3 सीट वो की गई है। ठीक है, 73 संशोधन में कब हुआ था, डेट किया थी, तो ये थी कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और एक ब्रीफ में आपको डिस्कशन मिल गया इससे रिलेटेड। और डिटेल में मैं और डिस्कस करूँगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज में, जितना आप कर सकते हैं कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए इच्छुक हैं तो आप मुझे हाय और अपना नाम लिख के भेज दें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उससे मैं आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाया। थैंक यू वेरी मच।